till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. Hello ji, assalamu alaikum, welcome back to my channel. Aur aaj hum ek new video ke saath aa gaye hain. और वीडियो है हमारी पीआर पैकेज की, जो प्रोमोशनल मेरे पास पैकेज आया था वीडियो बनाने का, तो वो मैंने बना के प्रोमोशन की है. आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से परचेजिंग करना चाहें. कस्टमाइज ज्वेलरी है और बहुत अच्छी ज्वेलरी, रिजनेबल प्राइस पे है. अगर बहुत से लोग चाहते हैं कि हम कस्टमाइज अपने ज्वेलरी, अपने कपड़ों के साथ वाली ज्वेलरी पहने, तो इस तरीके से वो बना सकते हैं. तो मैंने भी अपने कपड़ों के लिहाज से जो वो ज्वेलरी मंगवाई थी डार्क पर्पल कलर की, मुझे तो खैर उन्होंने विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, क्योंकि वो प्रोमोशनल वीडियो थी, प्रोमोशनल वीडियो बनाने के लिए दी थी. तो इसलिए जो है वो मैंने इसका प्रमोशन किया है. और बाकी मैं आप पे छोड़ती हूँ, मैं बिल्कुल भी कोई इस तरीके से नहीं बोलूँगी कि भाई आप लोग परचेज़ करेंगे. बाकी चीज़ बहुत अच्छी है, परचेजिंग करनी चाहिए. इनका पेज जो है वो इंस्टाग्राम पे है, माइली एसेसरीज़ के नाम से, और आप वहाँ जाके कर सकते हैं. मैं यहाँ जो है वो पेज का नाम लिख देती हूँ. जगह आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर जब सर्च करेंगे तो आराम से इसका पेज आपके पास आ जाएगा. और आप इसके अलावा भी बहुत सारी कस्टमाइज ज्वेलरी बना सकते हैं. कस्टमाइज जो है वो पेंडेंट हो, या जो इयररिंग्स हो, या जो है आप किसी भी किस्म की जो है वो पेंडेंट हो, वो आप इससे इनसे बनवा सकते हैं, और अपनी ज्वेलरी अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग. तो चलें अब हम जो है वो अनबॉक्सिंग करते हैं कि हमारी जो ज्वेलरी है वो क्या आई है. चलें सही है, साथ साथ हम मेरे रहें और एंड तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. इट्स शफक्स डायरी. तो वो तो मैंने इसके अंदर डाल कैसे किया, ये है इनकी पॉलिसीज़. इन्होंने पॉलिसीज़ भेजी थी, उनके पेज पे भी गेट हैंड क्राफ्टेड कस्टमाइज स्टाफ, वी आर ट्राइंग टू टर्न द वर्ल्ड इनटू जॉयफुल हैंड क्राफ्टेड एसेसरीज एज वी स्टार्ट आर कलरफुल जर्नी विथ योर बाय इंट्रोड्यूसिंग एसेसरीज आइदर इट कस्टमाइज और टेकन फ्रॉम स्टॉक. चार्ज will be same prices are depend on the size, but it's budget friendly cost, but advance payment will be charged. एडवांस पेमेंट दी जाएगी इनको. और आप किसी किस्म की भी ज्वेलरी बना सकते हैं, कस्टमाइज ज्वेलरी बना सकते हैं. तो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ज्वेलरी बना सकते हैं. तो अगर आप चाहें तो इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो ये इनकी पॉलिसीज़ थी. इन्होंने एक्चुअल प्राइस तो नहीं बताई है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइजेज हैं. अगर कोई चाहे तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इन्होंने पॉलिसीज़ भेजी थी जो मैंने संभाल के रखी हुई थी. अब जो है वो है इसको हम अनबॉक्सिंग. चले भाई, हम जो है अनबॉक्सिंग कर रहे हैं. और अनबॉक्सिंग इस तरीके से इसका पैकेज आया है, जो इतना प्यारा सा था. इसके ऊपर एक डोरी भी थी, और डोरी जो है वो मुझसे थोड़ी सी मिस हो गई है. तो इस तरीके से डोरी बनी हुई थी. इसको आप ओपन करें और इस तरीके से ही पैकेज होकर इनका आएगा आपके पास भी. और इसके बाद जो है सबसे प्यारा जो है तरीक़ेकार लगा मुझे. बड़े बड़े ब्रांड भी ऐसे जो है वो बना के नहीं देते. इट्स नाइस टू सी यू का एक इस तरीके से इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड दिया है. और ये माइली एसेसरीज़ के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, स्पार्कल एंड शाइन. और ये भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने इंट्रोडक्शन दी हुई है. तो इस तरीके से ये आया है. उसके बाद जो है वो इस तरीके से करके ज्वेलरी आई है. और पूरा जो है ये इस तरीके से इसकी ज्वेलरी आई है. और टिशू पेपर लगा हुआ है इस पर, इस तरीके से इन्होंने जो है वो स्टिकर लगा के भेजा है. और बहुत सारे जो है इस तरीके से जो है वो पेपर्स हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. और
और इसके जो केसिंग है वो ये है पेंडेंट और ये है इयररिंग्स जो बहुत प्यारे लग रहे थे पहनने के बाद भी, और ड्रेस कलर मेरा ऐसा था तो मैंने इस तरीके से बनवाए थे। उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि आप जो है वो किस कलर का बनवाना चाहती हैं ताकि आप ड्रेस के साथ मैच कर सकें। तो ये जो है ये मेरी ज्वेलरी आई थी तो मैंने कहा इसको पैकेज को आपके साथ भी जो है वो डिस्कस किया जाए, और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी हम इसको आपको खोल के भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि ये चीज़ है क्या, बहुत यूनिक सी चीज़ है। अभी तो मैंने पैकेजिंग दिखाई है कि पैकेजिंग इसकी इस तरीके की है, और अब जो है हम इसको जो है वो ओपन करते हैं। ओपन करो। अच्छा जी, तो जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि ज्वेलरी का जो खूबसूरती है वो है ये चीज़। ये पूरे आपको फ्लावर्स जो दिख रहे हैं ये फ्लावर्स पूरे उभरे हुए हैं, ये टोटल उभरे हुए हैं फ्लावर्स, और ये इसका इस तरीके का जो है वो बना हुआ है कि आप ये प्लास्टिक से आपको दिख रहा है और उसके अंदर जो है ये फ्लावर्स जो है वो बिल्कुल पेस्टेड हुए हुए। तो ये इतना प्यारा लग रहा था और इतना यूनिक सा लग रहा था पहनने के बाद। तो और इसकी जो इयररिंग्स है वो भी इसी तरीके की है, इयररिंग्स भी बिल्कुल इस तरीके की है इसकी, और सनफ्लावर्स यहाँ बने हुए हैं और ये सनफ्लावर्स बिल्कुल उभरे हुए हैं। मतलब आप इसको टच करें इस तरीके से आपको फील होगा के जो है वो ये फील होगी कि सनफ्लावर्स इसमें लगे हुए। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है, आप इस पर कोई भी और चीज़ भी बना सकते हैं, सनफ्लावर के अलावा भी जो आप बोलेंगे वो आपको बना के दे देगी इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग टू चॉइस और अकॉर्डिंग टू ड्रेस आप बना सकते हैं। तो ये जो है बहुत प्यारी सी ये मेरी ज्वेलरी आई थी तो मैंने कहा इसको शेयर किया जाए, और आप लोगों के साथ भी अगर आप लोग मंगवाना चाहें तो आप लोग भी बनवा सकते हैं। और फ्लैश लाइट मैंने जलाई भी है ताकि आप लोगों को उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हो, खूबसूरती आप देख सकें। ये डार्क पर्पल कलर है, थोड़ा सा ब्लैकिश टोन में आ रहा है लेकिन है ये पर्पल। तो बिल्कुल मेरे ड्रेस से मैच हो गया था, वो व्लॉग भी आने वाला है जिसके साथ मैंने पहना था ये। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं ये फ्लावर्स बने हुए और पूरे उभरे हुए हैं ये, और ये शीशे टाइप के लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये शीशा है और शीशे के अंदर जो है ना ये बिल्कुल पेस्टेड हुए हुए हैं। ऐसे सीनरी लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, जैसे सीनरी लग रही है ये। सर फ्लावर्स है और ऊपर जो है वो थोड़ी सी डस्ट स्पार्कल हुई हुई है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सीनरी बनी हुई है। तो ये बहुत प्यारी सी ज्वेलरी है, बाइली एसेसरीज जो है वो इससे आप मंगवा सकते हैं। इंस्टाग्राम के पे ये मौजूद है पेज, वहाँ जाकर आप लोग इसको मंगवा सकते हैं। और पैकेजिंग भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और कितनी प्यारी पैकेजिंग है इसकी। छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया है, मेरी स्टूडेंट है, इनको आप जाके प्रमोट करें तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि जो जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं कि उन्होंने जो है इनको सपोर्ट किया है। पेज नेम जो है वो मैं यहाँ डिस्कस कर दूँगी, आपको जो है वो टेक्स्ट कर दूँगी कि आप जो है जाके मेरे व्लॉग के ज़रिए आप इससे जाके कस्टमाइज ज्वेलरी बनवा सकते हैं। कस्टमाइज ज्वेलरी में सब कुछ हो सकता है, इयररिंग्स भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है, पेंडेंट भी हो सकता है, जो आप चाहे जिस तरीके से चाहे आप बना सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सी ज्वेलरी आई थी, बहुत यूनिक सी ज्वेलरी जिसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है। तो बस एक छोटा सा व्लॉग था, और मर्ज़ी है आपकी कि आप इसको जाकर बाय करें या ना करें, लेकिन ऐसे छोटे वेंचर्स को जो है प्रमोट करना हम लोगों की ज़िम्मेदारी है ताकि जो है ऐसे स्मॉल बिजनेसेस जो है वो परवान चढ़ सके, और जो है लोगों को मोटिवेशन हो कि भाई हम लोग भी ये बिज़नेस कर सके। छोटी सी ये 10th क्लास की बच्ची है, मैट्रिक की आई थिंक इंटर की ये बच्ची हैं, और जो इन्होंने मुझे ये PR पैकेज भेजा था कि आप जो है ना अपने YouTube चैनल पे इसको प्रमोट करें ताकि लोग जो है वो मुझसे बाय करें। तो ये मेरा बहुत प्यारा सा पैकेज था जिसकी मैंने वीडियो बना दी है। इंशाल्लाह जो भी देख रहा होगा मेरे वीडियो की तवस्सुत से, इंशाल्लाह एक दफ़ा जाके इस पेज को विज़िट तो ज़रूर करेगा,
और अगर आप चाहें तो उनको डी एप करके आप इसके प्राइजेस जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके प्राइजेस बहुत नॉमिनल है, बिल्कुल भी जो है वो हाई कॉस्ट नहीं है जो कोई अफोर्ड ना कर सके, और इतनी खूबसूरत सी ज्वेलरी आप बना सकते हैं। सनफ्लावर के अलावा भी आप जो चीज़ चाहें इस पर पेस्ट्री करवा सकें। कोई भी चीज़ देखेगा तो हैड क्राफ्टेड वो देख के बहुत खुश होगा, क्योंकि लोग जो है हैड क्राफ्टेड ज्वेलरी को बहुत पसंद करते हैं। तो बस आप जाएँ, इसको इंजॉय करें और इसको लें, और ऐसे छोटे छोटे वैचर्स को जो है वो प्रमोट करें। तो बस ये फाइनल लुक था, तो ये मैं थोड़ा सा जो है वो इसका लुक बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये दिखे। चलते भाई, अब हम व्लॉग को जो है वो इख्तिताम पज़ीर करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शफक्स डायरी को याद रखें और ऐसे ही व्लॉग्स को पसंद करते रहें। अल्लाह हाफिज़।